शांति। आज की तारीख है 4/5/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक मीठे मीठे शिव बाबा इस धरती के ऊपर बेहद के अमृत वेला में आते हैं। बेहद का अमृत वेला अर्थात ब्रह्मा की रात्रि यानी कलयुग का अंत और ब्रह्मा का दिन अर्थात सतयुग का प्रारंभ। तो कलयुग के अंत और सतयुग के प्रारंभ के बीच के समय को कहते हैं बेहद का अमृत वेला, जिसका नाम है संगम युग। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि मीठे बच्चे अमृत वेले अपने दूसरे सब संकल्पों को लॉकअप कर यानी बंद कर एक बाप को प्यार से याद करो और बाप से क्या करो, मीठी मीठी रूरिहान करो। हाँ, माया से रूरिहान नहीं चलनी चाहिए उस समय। हाँ, हम बच्चे क्या करते हैं, थके हुए हैं, नींद आती है, सुस्ती होती है, तो हम सभी क्या करेंगे अमृत वेले, फिर माया से रूरिहान करेंगे, माया की गोद में सोएंगे, जुटका खाएंगे। हाँ, फिर बाबा कहते हैं ना, देह भान में आकर के इधर उधर की बातों को सोचेंगे। अच्छा प्रश्न है आज का, तुम बच्चों की हर बात में अर्थ है। हाँ, जैसे कहते हैं ना, जस केले की पात पात में पात, तस ज्ञानियों की बात बात में बात। तो बाबा भी कहते हैं तुम बच्चों की हर बात में अर्थ है। अर्थ सहित शब्द कौन बोल सकता है? उत्तर है जो देही अभिमानी है, क्योंकि वो सोच समझकर बोलेंगे। हाँ, ऐसे नहीं बोलने के बाद पछताएं, नहीं, वो बोलने के पहले ही सोच लेते हैं तो पछताने का वक्त नहीं आता। जो देही अभिमानी है वही हर बोल अर्थ सहित बोल सकता है। बाप तुम्हें संगम पर जो भी सिखलाते हैं वो अर्थ सहित है। देह अभिमान में आकर मनुष्य जो कुछ भी बोलता है वह सब अर्थ के बिना अनर्थ है। इसीलिए बाबा कहते हैं जो देही अभिमानी बच्चे हैं वो हर बोल तोल तोल के बोलेंगे, उससे कोई फल निकलता है। जब तोल के बोल बोले जाते हैं तो फल निकलता है, वरना कोई फल नहीं निकलता और फायदा भी नहीं होता। गीत बजा है नैन हीन को राह दिखाओ प्रभु। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर एक है पुरुषार्थ कर अपनी भविष्य कमाई में लग जाना है। ड्रामा में होगा तो कर लेंगे ये कहकर पुरुषार्थहीन नहीं बनना है। हाँ, ड्रामा को भी बड़ा पॉजिटिव समझना है, पॉजिटिव उसको उठाना है। नंबर दो है सारे दिन में जो भी पाप होते हैं या किसी को दुख देते हैं तो बाबा कहते हैं नोट करना है। हाँ, कभी नोट किया ऐसे कि आज हमने सारे दिन में किसको किसको दुख दिया, कौन सा मैंने पाप किया? हाँ, अगर आप करते हो तो आपको शाबाशी है, अगर आप नहीं करते हो तो आप आज से करना शुरू करें। बाबा कहते हैं कि सच्चाई से बाप को सुनाना। हाँ, चार्ट सच्चाई से लिखोगे, सच्चाई से देखोगे, इसका अर्थ क्या हुआ? सच्चाई से बाप को सुनाना हुआ। साफ दिल बन एक बाप की याद से सब हिसाब चुकतू करना है। वरदान है आज अपने श्रेष्ठ जीवन के द्वारा परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ देने वाले, प्रत्यक्ष मिसाल देने वाले माया प्रूफ भव। फिर माया आपको आएगी नहीं, माया से बचे रहेंगे।
मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, स्वयं को परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण व प्रूफ समझने से माया प्रूफ बन जाएंगे। जैसे कोई आवाज आती होगी तो क्या करेंगे, उसको ऐसा कमरा बनाएंगे जो वो आवाज प्रूफ हो जाए, यानी आवाज अंदर न आए, हम शांति से बैठे। तो इसी प्रकार बाबा भी कहते हैं कि ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होगा, स्वयं को परमात्म ज्ञान से भरपूर करें तो हम माया प्रूफ बन जाएंगे। प्रत्यक्ष प्रूफ है आपकी श्रेष्ठ पवित्र जीवन। सबसे बड़ी हमारी जीवन जो है पवित्रता वाली, वो बाबा कहते हैं दुनिया के आगे प्रत्यक्ष प्रूफ है। सबसे बड़ी असंभव से संभव होने वाली बात क्या है, प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना। परवृत्ति माना दूसरी वृत्ति, देह और देह की दुनिया के संबंधों से पर, यानी न्यारा रहना, पुराने शरीर की आंखों से पुरानी दुनिया की वस्तुओं को देखते हुए नहीं देखना। अर्थात ध्यान से सुने, संपूर्ण पवित्र जीवन में चलना, यही परमात्मा को प्रत्यक्ष करने व माया प्रूफ बनने का सहज साधन है। स्लोगन है आज का, अटेंशन रूपी पहरेदार, वॉचमैन, अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक है तो अतिंद्रिय सुख का खजाना खो नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।